अच्छा, ये लास्ट टाइम हम जिस लेक्चर पे थे वो था न्यूमेरिकल, हम लोग कर रहे थे। ये न्यूमेरिकल मैंने आई थिंक आप लोगों को करवा दिया था, ये कंप्लीट हो गया था। और ये मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल होमवर्क दिया था। तो हुआ ये न्यूमेरिकल, कुछ चीजें हुई इसकी? जी शाहू, सर हो गया है, लेकिन सी पार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा। पार्ट ए और बी हो गए। ए बी और डी हो गए। चले ठीक है, इसको मैं जल्दी से करवा देता हूँ आप लोगों को। तो डेटा इसका आप लोगों ने लिख लिया है ना अपने पास? जी डेटा लिखा सर, हुआ है आपके पास? ठीक जी। है, इसको या चले यहीं इसी पे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। डाटा सामने लिखा रहेगा। अच्छा देखिए, हम लोगों ने इसका जो ई ए निकाला था वो कितना आया है? ये जो हमने निकाला है वो कितना आया है? क्या ये चीज आई है जी सर, यही है। पार्ट? अच्छा ये तो पार्ट बी था। पार्ट ए में हमने ए निकाला था, वो क्या आया था हमारे पास? टू पार्ट्स आए थे। जी पार्ट ए सर, भी के दो रिजल्ट्स आए थे। जी। ठीक है, मीन वाइल हमने जो इसमें चीजें निकाली होंगी वो हमने एक जेड निकाला होगा फाइंड आउट करने के लिए, वो तकरीबन हमारे पास ये आया होगा। और एक के प्राइम निकाला होगा जो हमारे पास 288 आया होगा। ठीक है जी, ये ऐसी टोटल चीजें जो आ रही हैं। ठीक है, ये जरा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है? पार्ट सी। पार्ट सी कह रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ दिस मशीन। इस मशीन की इफेक्टिव आर्मेचर रेसिस्टेंस क्या होगी? तो सबसे पहले आप ये कहेंगे जब हम इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालते हैं तो पहले पता करें इस पर पाथ कितने हैं। और तो वो हम निकाल चुके हैं, तो हम क्या कहेंगे? देयर आर टू, देयर आर टू पैरेलल पाथ्स। दो हमें पैरेलल पाथ्स मिल रहे हैं। दूसरी चीज हमने देखनी है कि इसका टोटल कॉइल कितने हैं। टोटल कॉइल कितने हैं? टोटल कॉइल्स 144। 144। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन डाटा है कि दो पाथ हैं पैरेलल और टोटल 144 कॉइल हैं। तो पहले हम एक पाथ के लिए काम करते हैं। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ, मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पर, पाथ वन। हेडिंग हमने दी पाथ वन। ठीक है, एक पाथ के लिए काम कर रहे थे। अच्छा, अब एक पाथ में कॉइल्स कितने होंगे? जब टोटल कॉइल्स 144 हैं और दो पाथ हैं, एक पाथ में कॉइल कितने होंगे? 122। पाथ 122 कैसे आ गए? 144 72 72 डिवाइड बाय टू कर दिए, 72 सेवेंटी 72 टू 72 कॉइल्स। ठीक है, कितने हो गए? 72 कॉइल्स हो गए। और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 10। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है पर कॉइल? 720 टर्न्स। ठीक है, यही आएंगे भाई। नंबर ऑफ टर्न्स आपकी ये है ना, 10 टर्न्स ईच। 10 टर्न्स ईच का क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स एक कॉइल की 10 है। तो 72 कॉइल्स की कितनी होंगी? 720, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 720 टोटल टर्न्स बन गई एक पाथ का। बताइए, हेलो। जी सर, सही। यस सर। अच्छा, अब वो कहता है रेसिस्टेंस ऑफ ईच टर्न, एक टर्न की रेसिस्टेंस इतनी है, यानी ये है रेसिस्टेंस पर टर्न। रेसिस्टेंस पर टर्न, तो पहले पाथ की रेसिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? आप कहेंगे सर, आप कहेंगे 0.011 पर टर्न है,
और टोटल टर्न्स हमारे पास कितनी है एक पार्ट में? 720। तो कितना हुआ आर वन मल्टीप्लाई करें? यार ठीक है, अब अगर मैं पाथ टू की बात करूं, पाथ टू की बात करूं तो आप कहेंगे सर पाथ टू में भी चूंकि एक ही जैसा है प्रोसीजर, सारा सेम होगा पाथ टू में, प्रोसीजर कोई डिफरेंट तो होगा नहीं। तो आर टू मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ, आर टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी। सवाल में पूछा गया क्या है आपसे? वो पूछा गया है कि इफेक्टिव आर्मेचर रेसिस्टेंस कितनी होगी। आप कहेंगे इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा? पैरेलल का कॉम्बिनेशन आर इफेक्टिव, तो वो कितना आना चाहिए? 7.92, 7.92, ये दोनों पैरेलल में है, तो आंसर इज 3.96 हो। ये आपका रिजल्ट आ गया 3.96 हो। इट्स योर रिक्वायरमेंट्स। इसमें कोई सवाल है तो पूछें। बात समझ में आ गई सबको? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? मैंने कहा बात क्लियर हो गई? उसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछी थी आर्मेचर की, तो ये आर्मेचर की पूरी कहानी हमने करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है रिजल्ट, ये मैंने बताई थी बात आप लोगों को। नेट जो रेजिस्टेंस होती है उसको इफेक्टिव कहते हैं। ये तो पहले से पता है, इफेक्टिव का मतलब होता है जो अपनी असर रखे। वो क्या होती है? इक्वल रेजिस्टेंस होता है, वो मेन होती है जो अपना असर रखती है। तो दो पैरेलल पाथ पर दो रेजिस्टेंस एक जैसी वैल्यू के, दो लाइनों का पैरेलल क्या होगा कॉम्बिनेशन? उनकी वैल्यू को डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी दो है तो दो से डिवाइड करते हैं 3.96। जी कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज आगे चलो। टॉक निकाल लिया था आप लोगों ने? जी सर, टॉर्क हो गया था। और जो था इंड्यूस्ड हमारे पास वो कितना आया था? क्या ये आया था 396 जी सर। 396 न्यूटन मीटर, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने कर लिया, इसमें कोई सवाल है? सी पार्ट क्लियर हो गया? भाई सी पार्ट क्लियर हो गया? जी सर। चले फिर आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। ये मैंने कहा था ये टॉपिक आपके अपने पढ़ने के लिए है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और बुक से पढ़िएगा, क्योंकि बुक से में कंस्ट्रक्शन काफी डिटेल से दी गई है, तो उसको आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें हैं। यानी किसी भी मशीन की, मशीन में मोटर और जनरेटर दोनों आएंगे, क्या क्या चीजें होती हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये नेम प्लेट जहाँ पर नाम लिखा जाता है, योक इसको कहते हैं जो इसके ऊपर की बॉडी होती है, ये आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं जो इसके अंदर लगी हुई है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, ये आपको दिख रहा होगा रिंग। अच्छा, ये ब्लैक एंड व्हाइट है फिगर, ये कलर भी मेरे हाथ से मिल जाएगी। ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स लगे हुए हैं आर्मेचर के साथ कनेक्ट हुए हैं कम्यूटेटर सेगमेंट्स, और इसकी पूरी डिटेल होगी। ये देखें, ये वो मेन बात लिखी है, टू प्रिंसिपल वाइंडिंग्स ऑन डीसी मशीन, कौन कौन सी होती है? आर्मेचर वाइंडिंग, द वाइंडिंग इन विच अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड, यानी रोटर, द फील्ड वाइंडिंग, द वाइंडिंग दैट प्रोड्यूसेस द मेन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि स्टेटर। जो मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि दो किस्म की वाइंडिंग्स होंगी, जो हम मैग्नेट शो करते हैं वो फील्ड वाइंडिंग से बनेगा, और आर्मेचर वाइंडिंग वही है जो कि हम जिस पर शुरू से काम करते चले आ रहे हैं। इसके बाद हेडिंग दीजिए पावर फ्लो,
एंड लॉसेस इन डीसी मशीन, हेडिंग दीजिए पावर फ्लो एंड लॉसेस इन डीसी मशीन। पावर फ्लो एंड लॉसेस इन डीसी मशीन, अच्छा इसके बाद हमारे पास सबसे पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है? जी बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? भाई आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। बताएं ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या ठीक लिखा है, सही लिखा है? P माइनस वेलोसिटी होना चाहिए। जोर से कहो क्या कह रहे हो? PN माइनस वेलोसिटी होना चाहिए। बिल्कुल इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ फॉर्मूला, ठीक तो नहीं है ना? यहाँ पर ये पी आउट नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? पी इन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये गलत है क्योंकि आपके पास जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो फिजिकली क्या होता है, वो पी आउट अपॉन पी इन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पी आउट माइनस पी लॉसेस, तो वो तो होता ही नहीं ना, पी आउट ओवर पी इन होता है सिंपल। अब इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, खैर। अच्छा इसके बाद लॉसेस इन डीसी मशीन्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ लॉसेस, पांच टाइप्स ऑफ लॉसेस हैं। नंबर वन इलेक्ट्रिकल या कॉपर लॉसेस, सबसे मेन लॉसेस ये होते हैं। सबसे मेन लॉसेस कौन से हमारे पास? इलेक्ट्रिकल या कॉपर लॉसेस, ये वाले। और पहला है आर्मेचर लॉस, सिंपल आर्मेचर वाइंडिंग, क्योंकि देखो वाइंडिंग है ना, मेन वाइंडिंग से जब चीज गुजरती है, करंट गुजरेगा तो वो गर्म होगी, यानी आई स्क्वायर आर लॉसेस। और वहीं पर हमारे पास मेन पावर जो है वो खर्च होगी, इसीलिए आप देखेंगे कि तमाम मशीन जब चलती है तो गर्म होती है। तो एक आर्मेचर लॉस, एक फील्ड लॉस, क्योंकि दो किस्म की वाइंडिंग है, दोनों डिफरेंट है। आर्मेचर में से जो गुजरेगा उसको आर्मेचर लॉस कहेंगे, जो फील्ड में से गुजरेगा उसको फील्ड लॉस कहेंगे, और फॉर्मूला वो एक ही है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आर्मेचर का होगा तो सब चीजें आर्मेचर के इस्तेमाल होंगी, फील्ड का होगा तो सब चीजें फील्ड के इस्तेमाल होंगी, ये फील्ड लिखा हुआ है। दूसरे आपके पास ब्रश लॉसेस। ब्रश लॉसेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखें, आपने देखा था कि कम्यूटेटर सेगमेंट इस तरह से सर्कुलर में घूम रहे होंगे, और ब्रशेस अपने यहाँ पर मौजूद होंगे जो कि यहाँ पर से टच कर रहे होंगे। तो ये क्या हो रहा होगा, जब ये घूमेगी मशीन, ये जब मूवमेंट देगी, तो मूवमेंट देगी तो जाहिर है ये चीज फिक्स्ड है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होगी। तो ये चीज एक टच हुई हुई है, फ्रिक्शन पैदा हो रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर करंट का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि इस कॉन्टेक्ट से गुजर रहा है करंट, कम्यूटेटर से ब्रश की तरफ आ रहा है, या वाइस वर्सा ब्रश से कम्यूटेटर की तरफ जा रहा है, दोनों सूरतों में कॉन्टेक्ट से गुजर रहा है। तो जाहिर है यहाँ पर चूंकि आइडियल कॉन्टेक्ट नहीं है, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। उस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से एक पावर होगी, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है और करंट तो गुजर ही रहा है, करंट तो मेन जगह यहाँ गुजरने के, कुछ वोल्टेज ड्रॉप है। तो जब करंट और वोल्टेज दोनों आ जाए, यानी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा और करंट गुजर रहा, तो पावर लॉस होती है। यहाँ पर भी ये गलत है, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये घाटा, क्योंकि पी इक्वल्स टू वी आई होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज और आर्मेचर करंट। अच्छा एक सवाल ये कि क्या फील्ड करंट का भी यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा ब्रश ड्रॉप में, यानी दो फॉर्मूले होंगे? एक कम लिखा हुआ है यहाँ पर क्या फॉर्मूला, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फॉर्मूला भी होगा कि पावर ब्रश ड्रॉप बराबर होना चाहिए वी ब्रश ड्रॉप इनटू फील्ड करंट, बताइए। क्योंकि दो किस्म के करंट है ना हमारी मशीन में, आर्मेचर करंट भी है और फील्ड करंट भी है, तो पावर हमने एक पे लिख ली, इट मींस कि हमारे पास एक फॉर्मूला मिसिंग है, एम आई करेक्ट? हेलो भाई, आंसर कर रहे हैं, जल्दी से कर रहे हैं आंसर, क्या मैं सही कह रहा हूं?
हेलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो, सिप्टेन, आप हैं क्लास में? सिप्टेन, जुनेद, हेलो, तूबा, यस सर। भाई मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही? सर मेरे पास डिस्टॉर्टेड आ रही है, मेरा नेटवर्क कनेक्शन वीक है। आपने सवाल सुना था मेरा या नहीं सुना? नहीं सर, डिस्टॉर्शन हो रही है काफी। अच्छा, अरीब, अरीब, हेलो, अरीब, अरीब चले गए हैं पता नहीं सर। शाहूद जी सर, सर सेम नहीं होंगे अरविच यार, कर्ण पहले तो और ये बताओ मेरी फील्ड आवाज आ रही थी इतनी देर से या नहीं आ रही? तो आ रही है सर। बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं तो सभी से पूछ रहा था। जी सर, हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? अरविच कर्ण फील्ड करंट सेम नहीं होगा। अच्छा, रीजन क्या होगा इसका शाहूद सेम होने का? सर वाइंडिंग पे डिपेंड करना चाहिए मेरे ख्याल से कि कनेक्शन किस तरह का हुआ हुआ है। नहीं, आप कह रहे हैं ना सेम होगा, सेम क्यों होगा? क्या दोनों वाइंडिंग एक ही मतलब चीज है, एक ही वाइंडिंग हुई उसी के दो नाम दिए हमने क्या, नहीं सर, या ये अलग अलग लेकिन है? है तो अलग अलग। सर तो फिर अलग अलग एक चीज में सेम करंट क्यों होगा? ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात होगी ना कि दो अलग अलग चीजें हैं उनमें सेम करंट होगा, वजह? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेम करंट नहीं होगा क्योंकि फील्ड एक सेपरेट चीज है, वो सिर्फ फील्ड जनरेट करने के लिए करंट दिया जा रहा है। अब आपको जितनी फील्ड चाहिए उतना आप करंट देंगे, फील्ड जनरेट हो जाएगी। और आर्मेचर करंट तो लोड डिपेंडेंट होता है, शायद भूल गए शायद। अगर जनरेटर की बात करूँ तो ओपन लोड, नो लोड पर तो आपके पास आर्मेचर करंट होगा ही नहीं, और फुल लोड पर आर्मेचर करंट बहुत ज्यादा होगा, और जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे आर्मेचर करंट बढ़ता जाएगा। अच्छा, मोटर की बात करें तब भी यही चीज है कि जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे जाहिर है पावर खर्च होगी तो आर्मेचर करंट बढ़ता जाएगा। तो मीन्स दैट आर्मेचर करंट इज लोड डिपेंडेंट, फील्ड करंट इज फिक्स्ड, बोथ आर डिफरेंट। क्या ख्याल है? डिफरेंट है ना? अब बताएं, वही सवाल मेरा, क्योंकि आपकी वाली बात तो सही नहीं हुई ना कि दोनों एक बराबर ही होंगे, फिर दो फॉर्मूले होने चाहिए कि नहीं? सर होने तो चाहिए। नहीं होने चाहिए सब, एक ही फॉर्मूला होगा, दो नहीं होने चाहिए, यानी कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसकी एग्जिस्टेंस जो है वही गलत है, मतलब यानी मीनिंगलेस आइडिया, मीनिंगलेस। अगर आप गौर करें, आप भूल गए शायद, ये आपके दो पोल्स थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है? ये नॉर्थ था हमारे पास, ये साउथ था, और बीच में क्या थी हमारे पास? वाइंडिंग थी, कुछ इस तरह से वाइंडिंग बनी हुई थी। और यहाँ पर आपके पास ये कार्बन ब्रश लगाए हुए थे, ये मैं ऐसी रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? तो ये मुझे बताओ कि ये कार्बन ब्रश और आर्मेचर की जो जो चीज चल रही है वो सारी की सारी किसके साथ चल रही है? आर्मेचर सर्किट के साथ चल रही है ना, कम्यूटेटर सेगमेंट्स तो होते ही आर्मेचर के साथ हैं, कार्बन ब्रश भी नहीं लगे होंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल गन से क्या ताल्लुक है? ये है वो जगह जहाँ पर फील्ड वाइंडिंग लगेगी ताकि आपकी मेन फील्ड पैदा हो सके। तो ये तो अलग, इनसे फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं है, बिल्कुल अलग है, ताकि बस फील्ड जनरेट कर रहे हैं और फील्ड यहाँ पैदा होगी और ये नॉर्थ साउथ पोल की फील्ड चली जाएगी। तो सारा काम तो आर्मेचर पे हो रहा है, जितने भी कम्यूटेटर सेगमेंट्स और तमाम कम्यूटेशन हुई थी वो सब आर्मेचर पे हो रही थी, फील्ड से तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। मैंने आपको बताया था फील्ड तो आज तक हमने बनाई नहीं है, सिर्फ आर्मेचर बनाया था। तो ये सारी चीजें आर्मेचर पे हो रही तो सिर्फ आर्मेचर करंट आएगा ना, फील्ड करंट से तो उसका कोई वास्ता ही नहीं है दूर दूर तक। आई बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, उसके बाद तीसरे भाग पे हमारे पास आते हैं कोर लॉसेस। कोर लॉसेस वही है जो हमने ट्रांसफार्मर में पढ़े थे, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस। कोर हमेशा एक ही तरह की होती है। नंबर चार हमारे पास मैकेनिकल लॉसेस आएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक मशीन है जो कि जिसमें यानी कि मैकेनिकल मूवमेंट है, ये ट्रांसफार्मर नहीं है, इज अ प्योर इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है, इट्स एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस।
मैकेनिकल मूवमेंट में हमारे पास ये दो किस्म के लॉसेस मौजूद होते हैं. एक कहलाता है फ्रिक्शनल लॉसेस, यानी कि जब कोई चीज चलती है और किसी से चीज से रगड़ खाती है तो वो फ्रिक्शन कहलाती है. दूसरा हमेशा हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं विंडेज लॉस, ये हवा के लॉस है. यानी जाहिर है कोई भी मशीन जो है वो वैक्यूम या स्पेस में तो नहीं चलाई जाएगी. अगर वैक्यूम में चल रही है तो अलग बात है, कुछ मशीन चलती हैं लेकिन जाहिर स्पेस में तो कोई नहीं होती. नॉर्मल मशीन हमारे पास 90% नॉर्मल हालात में होती हैं, तो वहां पर हवा एग्जिस्ट करती है तो विंडेज लॉसेस भी होते हैं. तो फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस, ये दो किस्म के मैकेनिकल लॉसेस कंसिडर किए जाते हैं. लास्ट वन इज स्ट्रे लॉस. अच्छा, स्ट्रे का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा. स्ट्रे का मतलब क्या होता है? बस ऐसे ही इधर उधर. तो होता क्या है कि जब भी हम किसी मशीन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो तमाम किस्म के लॉसेस को हम बहुत ही केयरफुल कैलकुलेशन के साथ हम जब कर लेते हैं तब भी हमें पता चलता है कि हमारे पास कोई और लॉस भी हो रहा है जो कि कैलकुलेशन में नहीं आ रहा, क्योंकि एफिशिएंसी हमारी कम आती है. हमने हमेशा कोशिश की कि हम तमाम लॉसेस को एनकाउंटर करें. हमने सब लॉसेस एनकाउंटर किए लेकिन फिर भी कुछ बच जाता था चूंकि जो कि कैलकुलेशन में हमारी नहीं आ पा रहा. तो ऐसा हमेशा हुआ तो हमने फिर उसी को एक ब्रांच बना दिया. हमने उसका नाम दे दिया स्ट्रे लॉस, यानी कि एक ऐसा लॉस जो हमारे फिलहाल पकड़ में नहीं आ रहा तो उसका नाम है स्ट्रे लॉस. यानी ये लॉस क्या है हमें नहीं पता मगर है, होता है. तो बकिया परसेंटेज स्ट्रे लॉस की हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं. अब जाहिर इसके भी तरीकेकार होते हैं, कैलकुलेशन होती हैं कि कैसे करें बारह, लेकिन करते हैं. तो ये पांच किस्म के लॉसेस हो गए जिनको मैंने आपको बताया कि ये एग्जिस्ट करेंगे हमारी डीसी मशीन में. अच्छा, एफिशिएंसी का लेकिन न्यूमेरिकल हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमने मशीन पढ़ी ही नहीं है. तो ये कब करेंगे? जब हम अगला चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे मशीन्स का, तो उसके एंड में हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है. तो याद रखिएगा आप जब तक ये टॉपिक कि जब मैं करवाऊंगा तो वहां पर इलेक्ट्रिकल लॉसेस, ब्रश लॉसेस, कोर लॉसेस, मैकेनिकल स्ट्रे लॉसेस, ये तमाम आएंगे पलट के. ओके, आखिर में पावर फ्लो डायग्राम देख लीजिए. ये पावर फ्लो डायग्राम होती है, इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, वो आप चाहें तो बना लें. जैसे टॉर्क, बल्कि कुछ चीजें टॉर्क का एक सिंबल मिसिंग है. ये टॉर्क है, जहां जहां टॉर्क आना चाहिए वहां वहां टॉर्क मिसिंग हो रहा है. यहाँ हो गया नीचे वाले में, ये रहा. ज़ाहिर इंड्यूस लिखा है, टॉर्क ओमेगा का फॉर्मूला होता है, तो ये टॉर्क आ गया और ये टॉर्क आ गया. ये ठीक है जी. अच्छा, इसमें उन्होंने सबसे पहले दिखाया है कि अगर इनपुट पावर हम ये अप्लाई करें टॉ ओमेगा, तो ये मैकेनिकल पावर हो गई. ये कौन सी पावर हो गई? मैकेनिकल. तो मैकेनिकल पावर हम किस में दे रहे होते हैं? इनपुट डायरेक्ट जनरेटर में, मोटर में, तो ये चीज आउटपुट होती है. तो मैकेनिकल पावर अगर इनपुट दी, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पावर फ्लो डायग्राम में, तो सबसे पहले हमारे हम स्ट्रे लॉसेस को निकाल देंगे. यानी इसमें से इनपुट पावर में से स्ट्रे लॉस निकल गया. ये इनपुट पावर थोड़ी कम हो गई, फिर इसका मैकेनिकल लॉस निकल गया. इनपुट पावर थोड़ी और कम हो गई, फिर इसका कोर लॉस निकल गया. ये तरतीब याद रखनी है, पहले स्ट्रे, फिर मैकेनिकल, फिर कोर. यहाँ पर हम इसको कहते हैं ये पावर कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें सिर्फ हम आई स्क्वायर आर लॉसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी सबको हम कन्वर्जन के स्तर रखते हैं. तो ये पी कन्वर्टेड हो गई. यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जो आप पहले से लगा रहे थे. आप कहते थे कि इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल पावर हो गई पी ई. अगर गौर करें तो इसमें फॉर्मूला क्या लिखा है? ई ए हमारा इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज और आई ए हमारा आर्मेचर करंट, और ये हमारे पास मैकेनिकल पावर हो गई. और वो क्या है? टॉर्क इंड्यूस्ड ओमेगा एम, टॉर्क इंड्यूस्ड ओमेगा एम, ये मैकेनिकल पावर हो गई. यहाँ पर ये कन्वर्ट हुई कि ये टॉर्क इंड्यूस्ड ओमेगा एम बराबर हो गया ई आई ए के. अब ई आई ये पैदा हो गया जनरेटर का वोल्टेज, मगर हमें जो टर्मिनल पे मिल रहा है वो तो टर्मिनल पोटेंशियल और लोड करंट होता है, या लाइन करंट कह लें इसको, क्योंकि बल्कि लोड करंट ही कहेंगे. जनरेटर में लोड करंट कहेंगे, मोटर में इसको लाइन करंट कह देंगे, क्योंकि ये लोड को प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरह से. तो वैसे वाइस वर्सा हम इसको लाइन करंट भी कह सकते हैं, भारत आई एल. तो ये टर्मिनल पोटेंशियल और आई एल, ये हमें आउटपुट पर मिलता है. तो आप सब जानते हैं कि मैंने आपको कई दफ़ा ये बात बताई है कि जो भी कोई सप्लाई के अंदर चीज़ पैदा होती है उसको ई एम एफ कहते हैं. जो बाहर निकलती है, यानी अंदर ई एम एफ अगर है और जो बाहर निकलती है, तो वो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है, जो कि वी टी से रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल. और टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा वी, यानी ई से ई एम एफ से छोटा होता है. बाकी कहाँ जाता है? वो जो अंदर इसके रेसिस्टेंस होगी किसी मशीन के, उसके ऊपर ड्रॉप हो जाता है. तो यहाँ पर अंदर रेसिस्टेंस कौन सी है? आर्मेचर रेसिस्टेंस. तो ये आई स्क्वायर आर लॉसेस, ये हम निकालेंगे आखिर में.
हमारे पास ये पावर आ जाएगी बी टी आई है। और इसी को पूरी फ्लो डायग्राम को मैं अगर उल्टा कर लूँ, रिवर्स कर लूँ, तो ये कुछ ऐसे बन जाती है कि वी टी आई एल अप्लाई किया, यहाँ से आई स्क्वायर आर निकाले, तो इसके बाद जैसे यहाँ पे कन्वर्जन आई थी, यहाँ पे फॉरन कन्वर्जन आ गए, ई आई ए टॉप इंड्यूस ओमेगा में चला गया, क्योंकि इसके बाद मैकेनिकल चीज है सारी। फिर कोर लॉस निकला, मैकेनिकल लॉस निकला, स्ट्रे लॉस निकला, और हमारे पास जो बच गई वो ये चीज बच गई जो आउटपुट होगा मोटर का। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेरे भाई ये लोड करंट हो गया, ये लाइन करंट हो गया, क्योंकि ये इनपुट साइड पर आ रहा है, ये आउटपुट साइड पर आ रहा है। आउटपुट पर लोड होता है नॉर्मली और इनपुट पर लाइन होता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं लोड करंट और लाइन करंट, दैट इज कॉल्ड पावर फ्लो डायग्राम। ठीक है जी, इसमें कोई सवाल? नो सर। ओके, इसके बाद हमारा ये पावर फ्लो डायग्राम में वही पावर कन्वर्टेड बताया हुआ है कि टॉर्क इंड्यूस ओमेगा या ई आई ए, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक हमारा ये लेक्चर एंड हो जाता है। इसके बाद हमारा और हाँ एक और मजे की बात, ना सिर्फ हमारा ये चैप्टर एंड होता है बल्कि हमारा सॉरी हमारा मतलब लेक्चर एंड होता है बल्कि हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाता है, हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है और नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 9। ये लेक्चर 10 मैंने स्टार्ट किया, ये देखिए चैप्टर 9, क्योंकि हमने डीसी मशीनरी फंडामेंटल स्टार्ट किया था, अब हमारे फंडामेंटल्स खत्म हुए हैं। तो हमने काफ़ी मतलब टाइम हो गया हमें, हम ये कर रहे थे फंडामेंटल्स, और वो फंडामेंटल्स करने की वजह यही थी कि हम आज यानी जब हम ये चैप्टर करें डीसी मोटर्स का या डीसी जनरेटर्स का तो हमारे पास काम हुआ हुआ। तो अभी सिर्फ इन्होंने डीसी मोटर्स दिखाई हैं, जनरेटर्स नहीं दिखाए हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो डीसी मोटर्स में हमने क्या करना है, सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ डीसी मोटर, ये वही चीज़ आ गई इक्विवेलेंट सर्किट जो हमेशा मैं आपको बताता रहा हूँ, जिसको कहते हैं मॉडलिंग। तो हम पहले मॉडल करेंगे एक मोटर को और उसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉडलिंग का बेसिकली मकसद क्या होता है, मॉडलिंग का मकसद होता है कि आप कुछ ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस, कोई ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस आप निकालें उस चीज़ की कि जिसके बाद हम उसको सॉल्व कर सकें, यानी कुछ ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन हो जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हो, उसको मॉडलिंग कहते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट भी मॉडल है जिससे हमें मैथ्स मिलेगी उस डीसी मोटर की। तो पहले तो हम ये बनाएंगे कि ये क्या होता है, उसके बाद हम मैग्नेटाइजेशन कर्व देखेंगे। ये वही कर्व है जो पहले चैप्टर से हम करते चले आ रहे हैं, मैंने आपको कहा था हमेशा ये साथ साथ चलता रहेगा। क्या था याद है आप लोगों को, एमएमएफ वर्सेस फ्लक्स, मेन यही होता है, बुनियाद यही होती है, बाकी इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करते रहते हैं। फिर उसके बाद ये 5 टाइप्स हैं मोटर्स की, इनको अगर आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। पहली टाइप सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, दूसरी टाइप शंट डीसी मोटर, तीसरी टाइप परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, ये तीसरी टाइप होगी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, लिख लें अपने पास। ये पहली टाइप हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और चौथी क्या है हमारे पास, सीरीज डीसी मोटर, ये सीरीज डीसी मोटर, और पांचवी है कंपाउंडेड डीसी मोटर। अच्छा, इसकी अपनी दो टाइप्स होंगी, कंपाउंडेड डीसी मोटर की अपनी दो टाइप्स होंगी, वो हम बाद में देखेंगे। ये देखें लिखी हुई है वैसे यहाँ पर, कॉम्यूलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर और डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर, तो ये दो इसके अपनी टाइप्स हैं। ये पूरी हमें कवर करनी है तो डीसी मोटर का हमारा टॉपिक एंड होगा, फिर इसी तरह से डीसी जनरेटर से। ठीक है जी, तो ये तकरीबन आखिरी चैप्टर होगा आपका कोर्स का। मोटर्स नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए जी, ये इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ये इक्विवेलेंट सर्किट है डीसी मोटर का। अब ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, सबसे पहले इसकी एक चीज समझ लेते हैं। देखें, डीसी मोटर में जब भी हम आते हैं तो हमारे पास उसके दो हिस्से होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। दो हिस्से कौन कौन से होंगे, एक हिस्सा हमारे पास कहलाएगा फील्ड सर्किट। ठीक है जी, एक हिस्सा हमारे पास फील्ड सर्किट होगा और दूसरा हिस्सा हमारे पास आर्मेचर सर्किट होगा। ये बात याद रखिएगा, हमेशा ये दो हिस्से होंगे, एक फील्ड सर्किट कहलाएगा, एक आर्मेचर सर्किट कहलाएगा। तो जाहिर है हम रिप्रेजेंट भी इसको दो तरीकों से करेंगे। तो सबसे पहले हम फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरी चीज जो है ना, ये आपके पास फील्ड सर्किट कहलाती है। इसको आप अगर अपने पास बना लें तो ज्यादा बेहतर है।
ये पूरी चीज फील्ड सर्किट कहलाती है। तो फील्ड सर्किट क्या होती है? आप कहेंगे सर परमानेंट मैग्नेट रख दो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, फील्ड बन गई। या उसके यहाँ पर मैं सोलेनोइड रख दूं, मैं कोई वाइंडिंग कर दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो उस वाइंडिंग में आपके पास होता क्या है? आप कहेंगे वाइंडिंग इज नथिंग बट अ कॉइल, वाइंडिंग इज नथिंग बट अ कॉइल। और कॉइल को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? दो चीजों से करते हैं, नंबर वन इज इंडक्टर एंड नंबर टू इज रेसिस्टर। क्यों? क्योंकि जाहिर है कॉइल है तो वो इंडक्टर से तो रिप्रेजेंट होगा है? और ये इंडक्टर का ही सिंबल एक तरह से मैंने बनाया था कॉइल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडक्टर का सिंबल ही बना हुआ है। तो एक तो इंडक्टर लगेगा, वो तो 100% है। दूसरा जाहिर है कोई भी तार होती है उसकी अपनी अपोजिशन होती है, अपनी रेजिस्टेंस होती है, तो उसको मॉडल करने के लिए एक रेजिस्टर लगेगा। तो ये हो गया आरएफ फील्ड रेजिस्टर, ये हो गया एलएफ फील्ड वाइंडिंग, पहली बात। दूसरा ये क्या चीज लगी है? ये आर एडजस्टेबल होता है, ये बाहर होगा यानी कि मोटर से, या यूं कह ले मोटर के अंदर भी होगा तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन इसका फील्ड सर्किट से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, इसका है स्पीड कंट्रोल से ताल्लुक। ये हम आगे चल के देखेंगे कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आर एडजस्टेबल समझ लें एक तरह से एक पॉट लगा हुआ है, एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ, ये किससे हटकर है। अच्छा, दूसरा सर्किट हमारे पास क्या था? आर्मेचर, आर्मेचर सर्किट, उसको हमने इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मेन चीज हमारे पास ये होती है। याद रखें ये फील्ड चेंज हो, मतलब अपनी लोकेशन चेंज करता रहेगा, मगर आर्मेचर अपनी लोकेशन कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने दिखा दिया ईए। ये क्या चीज है? ईए होता है, आप लोग जानते हैं, इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज, और उसको रिप्रेजेंट एक सप्लाई से कर रहे हैं, मगर सप्लाई के ऊपर नीचे ये दो ऐसे स्क्वायर से हमने रेक्टेंगल से बनाए हुए हैं, ताकि हम रिप्रेजेंट कर दें कि ये कोई आम सी सप्लाई नहीं है, ये इंटरनल जनरेटेड सप्लाई है। ये मोटर या किसी भी मशीन की बात कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मोटर जनरेटर का फर्क मशीन की कंस्ट्रक्शन से नहीं होता। मशीन कंस्ट्रक्शन एक ही जैसी हो सकती है, मगर मोटर जनरेटर का फर्क किसी और चीज से होता है। वो चीज मैंने आपको चैप्टर वन में पढ़ाई थी, अभी पूछ भी लूंगा मैं अभी आपसे। खैर, तो ये इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज है ईए। अच्छा, इसके बाद एक ये चीज आ रही है, इसको फिलहाल भूल जाए, ये क्या है, ये ब्रश लिखा है, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। और एक रेसिस्टर आ गया, इसका नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, ये होगा आर्मेचर रेसिस्टर। तो ये बस सिंपल एक सप्लाई और एक आर्मेचर रेसिस्टेंस दिखाया हुआ है आपको, पूरा आर्मेचर सर्किट को रिप्रेजेंट करना है। हालांकि पूरे आर्मेचर सर्किट में क्या क्या होता है? पूरा रोटर होता है, उसके ऊपर सारी हुई हुई जो वाइंडिंग होती है, ठीक है ना, रोटर पे, फिर ये बाहर निकल रही होती है, फिर इसके कम्यूटेटर सेगमेंट्स लगे हुए होते हैं, फिर कार्बन बुशेज होते हैं। चले वो ड्रॉप तो आ रहा है, ड्रॉप को अगर हम छोड़ दें, कम्यूटेटर सेगमेंट्स तक ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को हमने सिर्फ इससे रिप्रेजेंट कर दिया। इसका रीजन क्या है, कोई बच्चा बता सकता है कि इतनी सारी चीजों को हम सिर्फ ये एक इस ब्रश ड्रॉप को अगर भूल जाऊं तो सिंपल एक इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक रेसिस्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर एस ए, वाई क्यों? जी एक मिनट रह गया, जल्दी से बताइए, टाइम खत्म हो रहा है। हेलो, अरे तो टोटल वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, वो तो है, लेकिन ये आरए से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? और भी तो चीजें हैं। चलो आरए पूरी वाइंडिंग की है, तो कम्यूटेटर सेगमेंट कहाँ गए? और उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा एक बताओ, आर्मेचर क्या सीरीज में लगी हुई है? आर्मेचर तो अभी आप लोगों ने एक सवाल सॉल्व किया था, पैरेलल पाथ आए थे दो, पैरेलल में आए है ना, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, तो ऐसे सिंपल सिंपल तो नहीं होता ना, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिर्फ इससे क्यों रिप्रेजेंट करती है? जैसे फील्ड थी, फील्ड तो काफी सिंपल होती है, लेकिन आर्मेचर तो इतना सिंपल नहीं होता। जी रीजन, एक मिनट से कम रह गया, जैसे मीटिंग खत्म होगी दोबारा मैं स्टार्ट करूंगा, फौरन आ जाएगा। बताएं अरीब, क्या रीजन हो सकता है? हिंट दो आप लोगों को। जी सर। फिर आप लोग हंसेंगे। एलसीए 8 हफ्ते, एलसीए 8 हफ्ते। जी कौन बताएगा? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सर। गलत, चलें इसको अगली मीटिंग में मैं इसका आंसर करता हूँ। अगली मीटिंग से मुराद ये अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, अगली क्लास नहीं।
आप जब तक जल्दी से सोचें।